नमस्कार दोस्तों, इस समय बहुत सारे लोगों को बुखार आ रहा है और बुखार से वह बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि दोस्तों सीजन चेंज हो रहा है। बुखार आना बहुत कॉमन बात है, कभी भी किसी को भी बुखार आ सकता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इस समय बिहार और यूपी में कटनी चल रही है, जिसको गेहूं काटा भी बोलते हैं ना, वो चल रही है, जिसके वजह से लोग को भी बहुत ज्यादा फीवर आ रही है और साथ में दोस्तों मौसम चेंज हुआ है, इसके वजह से भी फीवर आ रहा है, ठीक है। और फीवर जब आ रहा है ना तो सर में दर्द, पूरा बॉडी में भी दर्द महसूस होने लगती है और साथ में दोस्तों बहुत ज्यादा फीवर हो जाने की वजह से उल्टियां भी होने लग रही है और उल्टी जब होने लग रहा है तो शरीर में पानी की कमी हो जा रही है। इसलिए दोस्तों आप लोग पानी जरूर पीजिएगा, लेकिन आपको इस वीडियो में हम आपको कुछ मेडिसिन बता देंगे, उस मेडिसिन को आप लोग खाकर आसानी से बुखार को ठीक कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइफाइड बुखार भी होगा ना, अगर आपको इसी तरह भी वायरल बुखार भी आता हो, टाइफाइड भी होता हो, तो आप लोग उससे को भी आराम से ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको ट्रीटमेंट बता देंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे व्यूअर्स क्या करते हैं ना कि जिस तरह उनको फीवर हुआ और वह जाकर किसी भी मेडिकल दुकान से कोई भी दवा लेकर वह खा लेते हैं। देखिए ऐसे दवा खाना क्या होता है कि साइड इफेक्ट होने के बहुत सारे कारण हो जाते हैं, बहुत सारे बॉडी को जाकर नुकसान करने लगती है। इसलिए दोस्तों इस तरह की दवा आपको बिल्कुल नहीं खाना है, आपके लिए एकदम सेफ है मेडिसिन बता देंगे, उसको आप लोग खाकर आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो बुखार जो आ रही है, कि बुखार क्यों आ रही है, इसके पीछे की कारण क्या है। दोस्तों हम आपको बता दिए ना कि इस समय जो है मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो गया, चौथा पांचवा महीना में तो होता है कि मौसम बहुत ज्यादा चेंज होती है, जिसकी वजह से लोगों को क्या होता है, बुखार आ जाती है और उस समय जिसका जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है ना, जिसकी वजह से उनको बार बार बुखार आ जा रही है। और हाँ, अगर आप टाइफाइड चेक कराइएगा ना, टाइफाइड आपको पॉजिटिव बता देगा, तो उसके लिए आपको बिल्कुल नहीं डरना है, इंजेक्शन नहीं लेना है, ठीक है। आपको जो हम दवा बताएंगे, अगर टाइफाइड भी होगा वह भी आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें बुखार जब आएगा तो बहुत ज्यादा कपकपी किसी किसी को स्टार्ट हो जा रही है और साथ में दोस्तों सर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, पूरे बॉडी में भी दर्द हो जा रहा है, ठीक है। ये सब सिस्टम दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इस वीडियो में जो मेडिसिन बताएंगे ना उसको आप लोग लिख लीजिएगा और किसी भी मेडिकल दुकान से आप लोग आसानी से लेकर आप उसको खाकर बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर दवा आप खा रहे हैं तो आपको बुखार ठीक होना चाहिए, अगर दवा खा रहे हैं फिर भी बुखार आ जा रहा है तो दो चार दिन खाकर देखिएगा, इसके बाद जाकर डॉक्टर से आप लोग जरूर दिखाइएगा और डॉक्टर साहब से जरूर बोलिएगा, डॉक्टर साहब ये सब दवा खाए हैं फिर भी मेरा बुखार आ रहा है। क्योंकि दोस्तों उसमें आपको टेस्ट की जरूरत हो सकती है, क्योंकि दोस्तों बुखार आने के बहुत सारे कारण होता है, अगर हम कारण बताने लगे ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों सोचे हैं कि आपको दम नॉर्मल हम कोई वीडियो बनाकर हम आपको समझा दें, क्योंकि मेरे पास जो भी व्यूवर्स हैं वो आकर हमसे दिखा सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है, बहुत दूर है, वो लोग कैसे आ सकते हैं। इसलिए उन लोग के लिए बहुत अच्छा वीडियो बना दिए, उस मेडिसिन के आप लोग प्रयोग कर आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वो मेडिसिन जानते हैं, वो कौन सा मेडिसिन है। दोस्तों नंबर वन आपको बात बताना चाहते हैं कि देखिए बुखार आता है तो हो सकता है कि शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की संभावना हो सकता है, जिसकी वजह से बुखार आ जाती है, तो उसके लिए एक एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है महासेफ प्लस, बहुत बढ़िया है, सेफेक्सिन और ओप्रोक्सासिन का है, ठीक है। दोनों में 200 mg रहता है, एक सुबह और एक शाम को आपको 5 दिन तक जरूर खाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि अंदर का जो भी इन्फेक्शन होगा वो आपको ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसलिए एंटीबायोटिक बताए ना कि बहुत सारे लोग नस में सुइया लेने लगते हैं, वो भी एक एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। और तो नस के सुइया की जगह पर आपको हम टेबलेट बता दीजिए और टेबलेट आप जरूर खाइएगा। और साथ में दोस्तों क्या होता है ना कि बुखार बहुत ज़्यादा आती है, तो बुखार के लिए भी एक बनी मेडिसिन बताएंगे, जिसका नाम है डोलो 650 mg, कहीं भी मिल जाएगा आपको मेडिकल दुकान में। इसमें पैरासिटामोल 650 mg डाला जाता है, एक सुबह और एक शाम को खाना है, ठीक है। अगर जरूरत पड़ जाएगा तो आप 3 टाइम भी खाइएगा, यानी 3 टाइम भी खा सकते हैं 650 mg, ठीक है। इसको भी दोस्तों आप 5 दिन तक जरूर खाइएगा, इससे क्या होगा कि आपको बुखार नहीं आएगा, ठीक है। और सर में भी दर्द होगा, पूरा बॉडी में भी दर्द होगा, तो आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये सब दवा गैस ना बनाए, इस सब के लिए एक दवा हम बता देना चाहते हैं, जिसका नाम है ऐसी लॉक आरडी, गैस के लिए बहुत बढ़िया है, एक सुबह और एक शाम को खाना है, यही खाना है। दूसरी जो तीनों जो मेडिसिन बताए हैं ना, इसी तीनों मेडिसिन को आपको कम से कम 5 दिन तक खाना है। अगर आप 5 दिन खा ले रहे हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपका शरीर में अगर टाइफाइड भी होगा ना वो आपको ठीक हो जाएगा, साथ में वायरल फीवर भी आता होगा वह भी आपको ठीक हो जाएगा, मौसम के कारण से भी आपको फीवर आया होगा वह भी आपको ठीक हो जाएगा, सर में भी दर्द होगा वह भी ठीक हो जाएगा, पूरा बॉडी में भी दर्द होगा वह भी आपको ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, गर्मी के दिन है दोस्तों, पानी की कमी नहीं होने देना है, अगर पानी की कमी होगा तो आपको बुखार भी आपको आ सकता है, और प्रतिदिन आपको स्नान करना है। लेकिन हाँ, बुखार रहेगा तो स्नान नहीं करना है, बुखार उतर जाने के बाद आपको स्नान
प्रतिदिन करना है। नहीं करिएगा तो बुखार आपको लौट कर जरूर आएगा। और पानी की कमी बिल्कुल मत होने दीजिएगा, इसके लिए आपको इलेक्ट्रोल पाउडर या ORS आप लोग जरूर पीजिएगा। इसके लिए भी हम वीडियो बना दिए हैं, आप लोग जाकर देखिए, या ग्लूकोज डी के लिए भी वीडियो बना दिए, आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसलिए आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।